बदायूं में दो मासूम बच्चों के हत्याकांड से इस वक्त पूरा प्रदेश थर्रा उठा है। जहां इलाके में रोष है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी घटना के बाद वहां पर मौजूद लोगों का गुस्सा कैसे शांत किया जाए। जहां एक तरफ एक आरोपी साजिद का एनकाउंटर हो चुका है, तो वहीं दूसरे आरोपी जावेद की तलाश लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ अगर नजर डाले बदायूं के उस इलाके में, तो उस इलाके को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आपको बता दें कि बदायूं के उस इलाके में न सिर्फ 7 से 8 थानों की पुलिस तैनात है, बल्कि इसके साथ साथ 5 दर्जन से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी भी तैनात है। बता दें कि बदायूं का मामला इस वक्त पूरे देश में तहलका मचाए हुए है। जहां एक तरफ लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ परिवार इंसाफ मांग रहा है। इंसाफ मांग रहा है कि आखिर दो मासूम बच्चों के साथ में ऐसा क्यों किया गया। इंसाफ मांग रहा है कि आखिर इन दो मासूम बच्चों की गलती क्या थी। इंसाफ मांग रहा है उत्तर प्रदेश सरकार से कि आखिर कब तक उत्तर प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहेंगी। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो जो दंगे का रूप ले ले। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस घटना का सच आखिर कब सामने आता है, क्योंकि दो मासूम बच्चों की मौत ने कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। बदायूं से यूपी तक के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।